मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज मैंने अपनी ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो मैंने स्टार्ट अभी से किया है और अभी चाय वाय पी लिया है मैंने और अब मैं जा रही हूँ। प्लीज़ ये साउंड को इग्नोर करना क्योंकि सुबह का टाइम है, सब लोग नहाने में फ्रेश होने में लगे हुए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आज को आपको अपना ब्लॉग और मे बी मैं आगे से अपना जो डेली लाइफ है वो आप लोग से शेयर करूँगी। आप भी मेरे चैनल पे बने रहना जितना हो सके। तो बस मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ आपके साथ। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में सुबह सफाई हो जाती है, ये चीज़ अच्छा है। जो मेरी मेड आती है वो सुबह में सुबह आ जाती है, जिससे मेरे घर में सफाई एकदम से हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये मैंने ब्रेकफास्ट में बनवाया है आलू पराठा, और शालिनी ने आलू पराठा बना दिया है। और देखो खाना बनने के बाद कैसा होता है गैस, तो इसकी सफाई भी हो रही है। सुबह सुबह अगर ये काम हो जाए, जैसे झाड़ू वगैरह, किचन क्लीन, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस वो वही कर रही है, वो कर लेगी फिर मैं अपनी आगे की डस्टिंग स्टार्ट करूँगी। ये ऑफिस अभी जा चुके हैं और ये टाइम देखिए, ये मेरा बेडरूम है। यहाँ से बाहर पार्क का व्यू है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, और बहुत ही ठंडी हवा इस साइड से आती है, इसीलिए मैं इसको सुबह में उठते ही खोल देती हूँ पहले। और ये देखिए, रात का चादर मैं अभी यहाँ ठीक कर रही हूँ क्योंकि बिखरा पड़ा होता है। बेड से स्टार्ट करती हूँ सब कुछ, और थोड़ा बहुत जहाँ भी मुझे धूल वगैरह लगता है मैं वहाँ पे अपने हाथ थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि इकट्ठे धूल कभी भी एक साथ नहीं जमते हैं, नहीं तो ऐसे में बहुत टाइम लगता है। तो मैं थोड़ा बहुत इनको अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ, जिससे मेरा टाइम बच जाता है बाद के लिए। तो ये छोटे मोटे काम मेरे होते ही हैं सुबह नहाने से पहले, जो भी डस्टिंग वगैरह, सोफ़े वगैरह और जो भी हो। और यहाँ फ्रेंड्स, मेरा ड्रेसिंग टेबल ब्लैक है और इस पे धूल बहुत जल्दी आ जाती है और पता भी चलती है, तो मुझे हमेशा इसको क्लीन करना होता है। फ्रेंड्स, मैं नहाकर अभी आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 10:30 और इस समय तक लगभग लगभग मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। और जो भी छोटे मोटे काम, जैसे अभी कपड़े डालना हुआ और भी जो एक दो काम हैं जो मेरे रूटीन में भी शामिल है, उनको मैं करूँगी। और अभी नहाने के बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स कि स्किन थोड़ी सी गीली गीली सी हो जाती है। अगर आप इसमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो आपका मॉइस्चराइज़र आपके स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। तो मैं भी दिखाती हूँ मैं कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। मैं बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये ठंड हो, गर्मी हो, जो भी हो, उसमें ये बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। थोड़ा सा इनको बस 1 ड्रॉप अप्लाई करना है और बिल्कुल से ये एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। मुझे इसकी यही क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है, ये देखो बस। और बस मैं इनको नॉर्मली कुछ डॉट वॉट कुछ नहीं बनाना है, बस आप इसको जैसे आप इनको अच्छे से मिक्स कर ले। और देखिए फ्रेंड, जो जो स्किन पे जो थोड़ी बहुत स्किन जो हमारी गीली होती है, देखिए कैसे मॉइस्चराइजर बिल्कुल जल्दी से एब्जॉर्ब हो गया। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि अब मेरा क्या रूटीन है। तो चलिए, और जो भी कपड़े मैंने डाले थे, अब मैं इनको यहाँ बाहर फैला दूंगी ताकि अच्छे से इनको धूप लग जाए। मेरे इस घर की खासियत ये है कि मेरे तीनों बालकनी में धूप बहुत अच्छी आती है और हवा भी, तो यहाँ पे ये कपड़े सुखाने का काम मेरा चल रहा है।
कितने लोग अभी भी घर में सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। मैं तो भैया अभी भी कर रही हूँ, मैं क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत बुरा था, और फिर से केसेस वगैरह आ गए हैं, तो आप लोग भी करो, क्योंकि जितना आप सेफ्टी रखोगे आपके लिए वो अच्छा होगा। खैर होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम तो अपना प्रिकॉशन लेंगे। तो फिर मैं जब से मुझे कोविड हुआ या उसके पहले से भी मैं सारे सामानों को सैनिटाइज अभी तक करते आ रही हूँ, और खैर अभी तो कोविड बढ़ भी गया है, तो आप भी करो। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना प्लीज कुकर की सीटी हो रही है, बज रही है, तो उसको इग्नोर करना। और मुंबई में ना स्पेशली मुझे यहाँ एक चीज बहुत अच्छा देखने को मिला है कि यहाँ इडली डोसा का जो बैटर होता है ना, ये ऑलरेडी रेडी मिलता है, हमें पानी भी नहीं मिलाना पड़ता है। मतलब डोसे में थोड़ा सा पानी डालते हैं, बट इडली में आप ऐसे निकालो और उनको लगा दो। तो ये मैं फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरी सारी फ्रेंड यहाँ ट्राई करती हैं, तो उन्होंने ही बोला है कि एक बार ट्राई करके देखो, तो मैं देख रही हूँ, आज दिखाती हूँ आपको कि इनका डोसा कैसा बनता है। डोसे में आपको थोड़ा सा पानी डालना है, जिससे डोसा थोड़ा सा उनकी लेयर जो है वो पतली हो। मैं देखती हूँ ट्राई करके, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है। नहीं फ्रेंड्स, मेरी डोसा अच्छी नहीं बनी है, ये बैटर का दोष नहीं है, ये मेरे तवा का है। ऐसा लग रहा है मेरे तवा बिल्कुल ख़राब हो गया है डोसा वाला। मैंने बहुत दिन बाद डोसा ट्राई किया है, इसीलिए टेस्ट तो ऐसे अच्छा है इस बैटर का। और अब बज गए हैं शाम के 5, और मैं निकल रही हूँ नीचे थोड़ा वॉक के लिए, और थोड़ा गॉसिप तो बनता ही है। यहाँ सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और साइकिलिंग वगैरह करते हैं। यहाँ गुन्नू भी है, आजकल ये कोविड की वजह से एकेडमी नहीं जा रहा है, अच्छा है मैं भी नहीं भेज रही हूँ, तो यहीं पे थोड़ा बहुत साइकिलिंग कर लेता है। और ये रहा मेरा रात का डिनर, एक कड़ी और गरम गरम रोटी, जो शालिनी एक कड़ी बहुत ही अच्छा बनाती है। तो आज हमारे डिनर का है एक कड़ी और रोटी, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए आप भी आइए मेरे साथ डिनर कीजिए। तो फ्रेंड्स मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग अब जा रहे हैं वीकेंड का वार देखने। सैटरडे को मेरा स्पेशल सलमान खान का जो वीकेंड का वार आता है, मुझे वो देखना बहुत पसंद होता है। बिग बॉस की मैं बहुत बड़ी जो फैन होती है वो हूँ, तो बस मैंने डिनर आज जल्दी कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स मैं जैसी खुद हूँ घर में, वैसी ही मैं आप लोग के साथ अपने ब्लॉग्स और वीडियो में अपने आप को दिखाती हूँ। तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिन्हें मेकअप करके, बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप और ड्रेसिंग वगैरह करके, बहुत ज़्यादा करके घर में रहना पसंद हो, तो मुझे भी पसंद नहीं है। तो मैं जैसे सिंपल रहती हूँ, मैं जैसे रहती हूँ, मैं आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग में वीडियो में खुद को वैसे ही दिखाऊंगी। तो बस मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।